हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसीज जो है ये आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जो पोस्ट कोड है ये पीजीटी, पोस्ट पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो वैकेंसीज है वो 181 है, पीजीटी केमिस्ट्री 210, पीजीटी कॉमर्स 49, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 102, पीजीटी इकोनॉमिक्स 138, पीजीटी इंग्लिश 187, पीजीटी ज्योग्राफी 91, पीजीटी हिंदी 236, पीजीटी हिस्ट्री 83, पीजीटी मैथ्स 227, पीजीटी फिजिक्स 141। इसके बाद जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीचर्स टीजीटी है उनके लिए बायोलॉजी की जो पोस्ट निकाली गई है वो है टोटल 301, टीजीटी आर्ट 147, टीजीटी इंग्लिश 478, टीजीटी हिंदी 454, टीजीटी मैथ्स 456, उसी तरह फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीजीटी की वैकेंसीज हैं 311। इसके बाद टीजीटी संस्कृत, इसकी जो वैकेंसीज हैं वो है 316। उसके बाद जो टीजीटी सोशल स्टडीज हैं उनकी जो वैकेंसीज हैं 452। उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस टीजीटी हैं उनके लिए जो वैकेंसीज हैं वो है 201, लाइब्रेरियन के लिए 240 एंड प्राइमरी टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं जो है 3818। उसी तरह जो प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक के हैं उनके लिए जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है 198। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आने वाली है। तो आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा और बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं केवीएस पीजीटी टीचर एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो पेपर होते हैं वो पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड होते हैं और ये जो टोटल पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो डिवाइड होता है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। और जो सेकंड पार्ट होता है वो डिवाइड होता है रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पीडेगोगी एंड सब्जेक्ट कंसर्न। तो जो पार्ट वन है वो जनरल इंग्लिश जो है उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये 10 मार्क्स के होते हैं। उसी तरह से जो जनरल हिंदी है वो भी 10 मार्क्स की होती है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है। इसके बाद जो जीके एंड करंट अफेयर्स है वो भी 10 नंबर्स के हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो भी 10 होते हैं। इसके बाद जो पार्ट टू आता है ये मेन पार्ट होता है, ये रीजनिंग एबिलिटी भी ये जो होती है इसमें 10 नंबर की होती है। उसके बाद जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो भी 10 नंबर्स की है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 10 है। उसके बाद जो पीडेगोगी है वो 20 नंबर्स की है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 20 है। सब्जेक्ट जो कंसर्न है जिसमें कि आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो 80 नंबर्स के आते हैं। इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 150 होते हैं और 150 मार्क्स के आते हैं और जो टाइम होता है इस एग्जाम का वो 3 आवर्स होता है। अब हम टीजीटी पोस्ट के लिए बात कर लें तो इसके लिए जो हमको टोटल आवर्स मिलते हैं वो 2 घंटे 30 मिनट के टोटल होते हैं और यह भी पीजीटी के और पीआरटी की तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल इंग्लिश का है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो 10 है और जो टोटल मार्क्स हैं वो भी 10 होते हैं। उसी प्रकार से जनरल हिंदी ये भी 10 की आती है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 10 होते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये ज़्यादा आते हैं और इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं, टोटल मार्क्स जो हैं वो 40 मिलते हैं। उसके बाद जो पार्ट टू की रीजनिंग एबिलिटी है उसमें भी 40 क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स भी 40 हैं। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी ये 10 नंबर की होती है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं। इसके बाद जो पीडेगोगी होती है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पीडेगोगी कहलाती है, ये जो होती है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के 40 हैं और टोटल मार्क्स 40 हैं। और तो इस तरह से जो इस पूरा जो पेपर होता है वो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं और इनके जो मार्क्स होते हैं वो भी 150 ही होते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको ये एग्जाम देने के लिए समय भी पर्याप्त है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकल कर आती है वो पीआरटी पोस्ट के लिए होती है। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी जो टोटल टाइम मिलता है वो टीजीटी के तरह 2.5 घंटे का होता है, यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स का। इसके भी जो पेपर होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू।
पार्ट वन जो है उसमें जो फर्स्ट है वो जनरल इंग्लिश है, इस ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके 10 होते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो भी 10 ही होते हैं। जनरल हिंदी ये इसके भी क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 आते हैं और जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये भी इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 10 है और टोटल मार्क्स भी 10 है। इसके बाद जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके भी क्वेश्चन 10 ही है और टोटल मार्क्स 10 है। कंप्यूटर लिटरेसी ये जो है ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 और टोटल मार्क्स 10 है। इसके बाद जो पेडागॉजी है इसके थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ये 20 क्वेश्चंस होते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो भी 20 होते हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे कि अगर आप साइंस के हैं तो साइंस सब्जेक्ट, या फिर आप सोशल स्टडी के हैं तो सोशल स्टडी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो 80 होते हैं और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो भी 80 होते हैं। और जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं और मार्क्स 150 होते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी समय मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो फिर अब बात आ जाती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, तो आप KVS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। पेपर वन जो PPRT है उसके लिए आपको CTET जो है वो पेपर वन पास करना ज़रूरी है, CTET पेपर वन। PGT पोस्ट के लिए आपको पेपर टू जो है वो पास करना ज़रूरी होता है, और जो PGT पोस्ट है उसके लिए अभी तक CTET ने कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं निकाला है, तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो PGT का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और आप जैसा कि आपने देखा कि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए और 1-2 महीने में आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।